साथियों, मैं आपका दोस्त हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी पटना ब्रांच में आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। अभी बहुत ही बच्चे दुविधा में फंसे हुए हैं कि इतना नंबर आ गया अब करूं कि ना करूं, इतना नंबर आ गया अब करूं कि ना करूं। पहले वही बच्चे दुविधा में थे कि एग्जाम का डेट कब आएगा, एग्जाम का डेट आएगा कि नहीं आएगा, वो भी आ गया। वही सारे बच्चे, ये दुविधा वाले बच्चों के ऊपर आज एक वीडियो बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कटअप बताऊंगा, बार बार कटअप बनाता भी है, वीडियो पे भी मेहनत करो, वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताइए, और कुछ ट्रेनरों के ऊपर भी बात करूंगा कि आपको फिजिकल ट्रेनिंग कहाँ करना चाहिए। अंधभक्त मत बनिए, रील वाले और ट्रेंडिंग वाले वीडियो को देखना चाहिए। मैं कुछ बात करूंगा असलियत के ऊपर और रियलिटी के ऊपर, और आपकी आंखें भी खोलूंगा। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो एक लाइक पक्का दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ पक्का इसको शेयर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप लोग कॉल करते थे या पूछते थे, वीडियो हम लोग जो बनाते थे, सर इसका एग्जाम का डेट कब आएगा। पिछले एक साल से इसके ऊपर पता नहीं लाखों लाखों वीडियो बन चुका है कि बिहार पुलिस एग्जाम डेट, कभी फर्जी आया डेट, कभी अर्जी आया, कभी कुछ आया, कभी कुछ आया, चलिए वो भी डेट आ गया। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं, पूछते थे उसी बीच में, सर यह क्या सही है, क्या ये गलत है, आयोग क्या इस बार चोरी होगा या चोरी नहीं। भाई बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे, और मैं तो समझता हूँ बच्चे भोले होते हैं, बच्चों में और मतलब भोलापन में भोले होते हैं, इसलिए इनकी बातों पे हम ना आएंगे। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर कटअप कितना जाएगा। मेरे भाई, कटअप का मार छोड़ दे, ग्राउंड में कूद जाए। अगर बिहार पुलिस 21,391 में अगर एक सीट चाहिए तो पढ़ लिया, तो दो साल, एक साल, छह महीना जो भी मेहनत किया होगा कर लिया, अब तेरा पूरा का पूरा फोकस फिजिकल के ऊपर, पूर्णतः फिजिकल के ऊपर तेरा अब फोकस होना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की। मान लेते हैं किसी कारणवश आपका, जैसे दरोगा का अभ्यर्थी अभी आए थे, 125 बच्चे पास हुए फिजिकल में मेरे पास से, भोजपुर फिजिकल एकेडमी ब्रांच ऑफ बिहार, इसको बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री करते हैं। तो क्या सबका हो गया? सबका तो मेरिट नहीं बना, 1275 पोस्ट था, 1275 का 1275 गुना लगभग 3 गुना 35-3600 बच्चे पास हुए थे, सबका मेरिट नहीं बना। मेरिट बना तो केवल और केवल 1275 बच्चों का, उसमें फेल भी हुए लगभग 7500 के करीब, में रिजल्ट था इसका मेंस के बाद फिजिकल के लिए, और उसमें से लगभग अगर मिला दिया जाए तो 50% बच्चे फेल हुए, 50% बच्चों का फेल का आंकड़ा था, और फिर लड़का लड़की मिला तो 50% पास हुए, 7500-3600 का फिजिकल पास हुए। अभी मेरे प्यारे बच्चों बता दूं कि क्या सबका मेरिट बना? नहीं। वैसे ही 21,391 में 1,07,000 बच्चे दौड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट बनेगा केवल और केवल 21,391। अब कुछ होंगे कि 21,391 में कुछ योद्धा होंगे, योद्धा बोलता हूं मैं, कि मरो तो वीर अभिमन्यु की तरह, भगत सिंह की तरह, अगर मरना ही है तो वीर अभिमन्यु और भगत सिंह की तरह मरना, लगे भी कि हम गए थे यार, एक जोश के साथ गए थे ग्राउंड में, और एक जोश के साथ हम दौड़े, और एक जोश हमारे में था, हम कटअप से छटे, जैसे हमारा एक चंदन, मतलब अब क्या बोलूं, लड़का बहुत मेहनत किया, आज तक कभी जिंदगी में पास नहीं हो पाया था, और पांच, मैंने इसको बोला था कि तेरा 6 डाउन करा के दिखाऊंगा, और मैंने एक एसआई में 1275 में भी 5.50 में मारा, और 5.55 में मारा एक्साई में। आज तक ये बच्चा फिजिकल पास नहीं होता, और मैंने यहाँ से फिजिकल भी पास करा, मेरिट नहीं बना, पॉइंट
वन के लिए, पॉइंट वन के लिए छट गया बच्चा। तो क्या जिंदगी में दौड़ना छोड़ दे, क्या जिंदगी में पढ़ना छोड़ दे, क्या दोबारा दुर्गा भरना छोड़ दे? तो वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, 21,391 में कुछ बच्चे होंगे जो बेचारे कटअप से, बिल्कुल कटअप से छटेंगे, पॉइंट के लिए छटेंगे, एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर, छह नंबर के लिए छटेंगे, लेकिन लड़के छटेंगे। कुछ लोग तो गेट नंबर एक से जाएंगे और गेट नंबर दो से बाहर आ जाएंगे। लगभग 1,07,000 विद्यार्थी जाएंगे, कुछ अपसेट भी होंगे, 90,000 करीब में मान लीजिए जाएंगे। ये 1,07,000 10-15,000 तो ग्राउंड आते ही हफ्ता 10 दिन में कंडम हो जाएंगे, और 90,000 बच्चे दौड़ेंगे, अप्रोक्स 90,000, तो 90,000 तो 90,000 का हो जाएगा, नहीं उसमें लगभग 45,000 बच्चे, मैं लिख रहा हूँ, लिख के दे जा रहा हूँ, और आप जाके इस आंकड़ा को अनुमान लगाइएगा कि ये वीडियो सरकार, मेरा वीडियो आप झूठा साबित करके दिखा दीजिए, मेरे इस वीडियो को झूठा साबित कर दीजिए। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ कि आपको मैं लगभग 1,00,000 रुपये के इनाम दूंगा। मैं आज वीडियो में बोल रहा हूँ, इसको रिकॉर्डिंग को रखिएगा, या अगर हो सकता है मैं डिलीट भी कर दूँ तो आप इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। लगभग मेरे प्यारे बच्चों 25,000 करीब में बच्चे फिजिकली फेल होंगे, सुन लीजिए, जिनका रिटेन में बहुत बढ़िया नंबर होगा लेकिन फिजिकल में वो फेल हो जाएंगे, लगभग 25,000। ये तो छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं। ये कौन बच्चे फेल होंगे? जो एसआई की तैयारी करते थे पहले से, जो अपना रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, जो एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, ओवर एज हो चुके हैं, जो अग्निवीर की तैयारी करते थे लेकिन 20 साल हो गए उनको दौड़े हुए, वो सारे बच्चों से फिजिकल नहीं निकलेगा, उन सारे बच्चों से फिजिकल नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी भी वो सारे बच्चे भी आज भी कटअप के ऊपर लगे हुए हैं, दौड़ उनके बस की बात नहीं, दौड़ नहीं पाए। बहुत सारे बच्चे हमारे भी संपर्क में हैं जिनका स्कोर 80+ है, लेकिन बोले हम एग्जाम देने के बोले गए थे, हम फिजिकल से हमको मतलब नहीं, तो क्या फायदा, आप क्यों गए? अरे भैया मेरे, उस बच्चे के ऊपर भी ध्यान दीजिए जो बच्चा कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, औसत है लेकिन दौड़ने में ठीक है, तो पुलिस विभाग दौड़ का चीज है। ये तो है नहीं कि आपको जाते ही वहाँ पे कोई कलम दे देगा, बोले हाँ साइन ही करना है आपको, आप डीएम साहब वाला साइन और एसपी साहब वाला, डीएसपी साहब वाला, डीएसपी अपना एसडीएम साहब वाला साइन करना, नहीं आपको तो डंडा ड्यूटी, हथियार ड्यूटी, बुलेट पर ड्यूटी, पल्सर पर ड्यूटी, ये अपाची पर ड्यूटी करना है, और आपको कलम चलाने के लिए कोई नहीं देगा, धूप में खड़ा होकर ट्रैफिक में ड्यूटी, सारी जगह ड्यूटी देना है। तो उसके लिए मैं तो बोलता हूँ कि पहले अगर फिजिकल हो जाए, पहले अगर फिजिकल ले लें तो दूध का दूध और पानी का पानी वहीं पहुंच जाए। लेकिन चलिए ये आयोग का फैसला है, हमारा नहीं, हम इसमें बोल भी नहीं सकते, बहुत सारी आयोग में त्रुटियां भी हैं जिसको हम नहीं आयोग ही दूर कर सकता, हम आवाज उठा सकते हैं, हम लोग आयोग से इस बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब यही है कि आपका नंबर कुछ भी आया, आप फिजिकल नहीं कीजिएगा तो आपके उस नंबर का कोई मतलब नहीं रहा, आपका वो नंबर 0×∞ होगा। लड़की पार्टी एससी कैटेगरी से हो, अगर आप 33 के ऊपर स्कोर किए हो, ग्राउंड में लगे रहो, 33-34-35 में लगे रहो, 45 के ऊपर कटअप लड़कियों का नहीं जाए, 35 से लेके 45 के बीच में सारी लड़कियों का कटअप सी बढ़ जाएगा। लड़का पार्टी 40-42 तो नहीं बोलूं, लेकिन 45 से लेके 55 के बीच में आपका सारा कट ऑफ समेट के रह जाएगा। मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी इतना एक्सपीरियंस है कि कितने परसेंट बच्चे पढ़ने वाले हैं और कितने परसेंट बच्चे टाइम पास करने वाले, कितने परसेंट बच्चे सेटिंग के भरोसे, कितने परसेंट बच्चे होमवर्क छोड़ने वाले, कितने परसेंट बच्चे इधर उधर देखने वाले, कितने परसेंट बच्चे टाइम पास करने वाले, गार्जियन का पैसा उड़ाने वाले। तो मैं भी इसी फील्ड में हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कितने परसेंट बच्चे आज भी गुमराह ही जिंदगी रहे। तो 2,00,000 लोगों के बीच में कंपटीशन, 1,07,000 का रिजल्ट बनेगा, बाकी 93,000 करीब में फिर से लगेंगे अगले भर्ती में। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लड़की पार्टी को मैंने बता दिया 40 से
35 से लेकर 45 के बीच में स्कोर है, एससी से लेकर जनरल तक ग्राउंड पकड़ लीजिए, चूंकि इसका दौड़ बहुत कठिन है। आप ठीक है रिटर्न निकाल लीजिएगा, मान रहे हैं आपकी महानता को हम शुरू करते हैं, या आपने बिहार पुलिस की तरह टफ पेपर को निकाल लिया, आप खूब पढ़े वर्णन बहुत बढ़िया, लेकिन आपके बस की बात दौड़ नहीं है, आप अभी भी ग्राउंड पकड़ लीजिए। मैं बोल रहा हूं आप इसको चाहे जिस लफ्ज में समझिए, मैंने बहुत सारे बच्चों को दरोगा के पीटी के बाद बोला था कि अगर आपका फिजिकल कमजोर है तो आप ये आधा घंटा के लिए ग्राउंड पकड़िए, कम से कम आधा घंटा के लिए, तो बच्चे बोले कि अपने एकेडमी चमकाने के लिए तो आ रहा है, ठीक है मेरा एकेडमी ऐसे भी चमक गया, बम बम करता है, नामे है भोजपुर फिजिकल एकेडमी ब्रांड है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, मेरा एकेडमी चलता है चलता रहेगा। लेकिन उन बच्चों का क्या हुआ जो वेट ज्यादा था, उन बच्चों का क्या हुआ जिनका वेट कम था छट गए, उन बच्चों का क्या हुआ जो फिजिकल को सीरियसली नहीं लिया छट गए। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों लड़का पार्टी 45 से 55 के बीच में स्कोर है, आप लग जाइए। फिजिकल का कटअप चलो मान लेता हूँ, एक टीचर से सुना था बोले 62 जाएगा, मान लेते तो 62 उसी का ना होगा जी जिसका डेट ऑफ बर्थ लास्ट होगा, बाकी तो 72 या 82 उठाना पड़ेगा, या अपना 76 उठाना पड़ेगा, या 86 या 96 उठाना पड़ेगा, तब ना आप मेरिट में जाइएगा, ऐसे सुपर स्कूल मेरिट में नहीं जाइएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको इस कटअप तक हैं तो लगे, हम बहुत सारे ट्रेनर के मुँह से सुनते हैं आज भी सुन रहे थे कि जो ट्रेनर साथ में दौड़ाता है उसी के साथ दौड़ी, तो मैं आंखें खोल दूं बिहार में जितने भी फिजिकल एकेडमी है किसी ट्रेनर के पास कोई अनुभव नहीं है, खुद दौड़ते थे और दौड़ते दौड़ते संस्था खोल लिए। वैसे वैसे तो हमारे पास कितने सारे लड़के हैं जो 5-6 फीट हाई जंप गोला में 35-40 फीट फेंकते हैं, रनिंग में 5-20 डाउन, तो क्या उनको ट्रेनर बन जाना चाहिए? आखिर आपके पास ट्रेनर की क्वालिटी है क्या? आप ट्रेनर क्यों? आप ही को नहीं पता, आप तो अभी खुद लगे हुए हमारा नौकरी हो जाएगा। ट्रेनर साथ में, राहुल द्रविड़ साथ में प्रैक्टिस करते थे क्या? एक साइड बैट लेके प्रैक्टिस करते थे, एक साइड राहुल द्रविड़ एक बॉल खेलते थे, एक बॉल रोहित शर्मा को या विराट कोहली को या ईशान किशन को थोड़े खिलाते थे। कोच का मतलब हो गया कोचिंग का, देखना हर बच्चे को देखना कि कौन बच्चा किस स्पीड से दौड़ रहा है, कौन बच्चा कोताही कर रहा है। आप खुद अगर टीम के साथ दौड़िएगा, खुद बच्चों के साथ दौड़िएगा, बच्चा तो भाग जाएगा, पीछे में से छूट जाएगा, तो आपकी नजर कब रहेगी? तो मेरे प्यारे बच्चों गुमराह ना होइएगा, फिजिकल टीचर सिलेक्ट करने से पहले 2-3 बार सर्च कीजिएगा कि इसकी क्या है रिजल्ट क्या है। इंस्टाग्राम पर रील देख के मत जाइएगा, या यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म देख के मत जाइएगा, या यूट्यूब पे भड़काऊ भाषण देख के मत जाइएगा, या यूट्यूब पे जातिवाद का, या यूट्यूब पे आम यूट्यूब पे फेंकने वाले के ऊपर मत जाइएगा। आप जाइएगा किसी भी ट्रेनर के पास जाइए, बोलिए कि सर आपका रिजल्ट हमको दिखा दें, किसी भी ट्रेनर के पास जाइए एक बार पूछिए आप हैं कौन, आपने फिजिकल एकेडमी क्यों खोला, आपके पास क्या है, आप कौन है, आप बिहार पुलिस रिटायर हैं, अर्धसैनिक बल से रिटायर हैं, आर्मी से रिटायर हैं, स्पेशल पीटीआई कोर्स किए हैं, क्या किए, आप कौन है, ये चीज पक्का आपको पूछने का अधिकार है। जैसे एक डॉक्टर के पास तबीयत खराब होता है तब जाते हैं ना कि एमबीबीएस है क्या है, पढ़ते हैं ना इसको क्या डिग्री है, कैसी डिग्री है, क्यों डिग्री है, तो पढ़ते हैं। तो वैसे ही आप फिजिकल टीचर के पास जाने से पहले एक बार विचार करें, मैं जा रहा हूँ तो क्या सही है क्या गलत, आपका भविष्य आपको तय करें। मेरे प्यारे बच्चों ये छोटा सा वीडियो आपके दिमाग को खोले गए था, हमारे यहाँ छात्रावास सुविधा उपलब्ध है लड़का और लड़की दोनों के लिए, आपको अगर इतना नंबर आ रहा है ग्राउंड पकड़िए, चूंकि फिजिकल में ही आप छटेंगे, 20-25 हज़ार तो छोटा आंकड़ा बता रहा हूँ, फिजिकल में बच्चे छटेंगे इससे ज़्यादा मात्रा हो सकता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने 2 साल लाइब्रेरी में पढ़ा है, उनको दौड़ से कोई मतलब नहीं है, और दौड़ इतनी आसान चीज़ नहीं है, मैं आपको बता दूँ कि दौड़ बहुत ही मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है। फिजिकल रिटर्न का डेट जहाँ तक मैंने पहले भी बहुत सारी घोषणाएं की जो सही हुआ है, होम सेंटर को लेकर घोषणा किया था वो सही निकल गया, एग्जाम के डेट को लेकर बहुत बार घोषणा किया वो सही हो गया। फिजिकल का डेट बता रहा हूँ, रिजल्ट का डेट आपको बता रहा हूँ कि आपका रिजल्ट 20-25 से 28 सितंबर तक आने की संभावना है, यानी कि 20 से 28 के बीच। फिजिकल का जो डेट है वहाँ से 1 महीना और मान लीजिए, तो क्या आप तैयार हैं, आपकी तैयारी हो चुकी है,
देख लीजिए, आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को जानिए। अगर इतना इतना नंबर आ रहा है, ग्राउंड पकड़ लीजिए, ग्राउंड पकड़ लिए तब आपका कुछ होगा, नहीं तो फिर आप भी हवा में, और आपका रिटेन भी हवा में, आपका फिजिकल भी हवा में, और आप भी सब। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दौड़ का तीन तीन टाइम करना पड़ जाएगा आपको, करिएगा। जिस टीचर के पास जाते हैं उसी क्वालिटी पूछिएगा। थैंक यू, जय हिंद।